वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं लेकर के आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी, बिल्कुल देसी स्टाइल, बिल्कुल गांव के स्टाइल, बिल्कुल सही माप के साथ, सही मेजरमेंट के साथ। क्योंकि हम साग अक्सर मिक्स करके कई तरह के साग को मिलाकर के बनाते हैं, तो उसमें क्या क्वांटिटी साग की होनी चाहिए, हर तरीके के साग की एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर कम या ज्यादा हो जाती है तो साग का टेस्ट कई बार कड़वा हो जाता है। अगर उसको हम सही नहीं काटते तो साग हमारा कई बार उसके अंदर बहुत सारे रेशे आने लग जाते हैं। तो साग का टेस्ट हमारा एकदम परफेक्ट रहे और सर्दियों में खास साग का हम इंजॉय कर सके, तो इसलिए आइए सरसों के साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं कि इसे कैसे बनाना है टेस्टी सरसों का साग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो के लगभग ये सरसों के पत्ते ले लिए हैं। आप इसे गुच्छे से माने, जो 2 बंच हैं थे ये, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। सारी इसकी जो ग्रास, इसमें पत्तियां एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती है, निकाल दिया, इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्ते यूज कर रहे हैं, जो इनके पीछे की मोटी डंडियां हैं वो हमने निकाल दी है, क्योंकि मोटी डंडियों में कई बार ना बहुत मोटे मोटे रेशे आते हैं जिनसे साग का टेस्ट खराब हो जाता है। इसमें बहुत ही सॉफ्ट रेशे आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा मोटा हो तो उसे आप चाकू से छील के निकाल दें, अलग कर दें बिल्कुल। ये देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, इसी प्रोसेस से करके आप उसको भी काट के निकाल दें, और कोशिश करें कि मोटी मोटी डंडियों का यूज ना करें, बिल्कुल जो बारीक छोटी छोटी डंडियां हैं उनका ही यूज करेंगे। पत्ते हम बिल्कुल फ्रेश लेंगे, जो सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्ते होते हैं उनका यूज करना है, जालीदार पत्तों का यूज ना करें, जो कांटे वाले होते हैं उनका यूज ना करें, टेस्ट कई बार बहुत ही खराब हो जाता है उनका। ये पत्ते आप देखना बिल्कुल सॉफ्ट से पत्ते हैं, बिल्कुल ही क्लीन है, इसमें इनको कीड़ों ने नहीं खाया, वरना छोटे छोटे इसमें होल होते हैं आप देखेंगे तो वो पत्ते का यूज नहीं करना है हमें। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ये 1/2 किलो के लगभग पालक ले रही हूँ, यानी 1 बंच के लगभग ही पालक था। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सारी मोटी डंडियाँ निकाल दी हैं। इसके बाद जो तीसरा साग मैं यूज़ करूँगी बथुए का साग है। यहाँ पर ये देखिए बथुए का साग है, इसको 250 ग्राम के लगभग यूज़ करना है। इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, इसे बहुत ही अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करें, इसमें बहुत सारी घास भी होती है, उसको अच्छे से आप क्लीन कर लें। और इसको हमें ध्यान रखना है, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल को हमें काटने से पहले वॉश करना होता है, काटने के बाद वॉश ना करें। इसके बाद फ्रेंड्स मैं जो चौथा साग लूंगी इसके अंदर वो है मेथी का साग। देसी मेथी मैं यूज़ कर रही हूँ, 100 ग्राम के लगभग यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा मेथी साग के टेस्ट को कड़वा कर देती है और साग का टेस्ट हमारा ख़राब हो जाता है, इसलिए मेथी की क्वांटिटी हम बहुत ही कम रखेंगे इसके अंदर। और इसे भी अच्छे से क्लीन कर लें और काटने से पहले ही वॉश करें, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक साग काट के दिखा रही हूँ यहाँ पर, सारे साग काट करके आप दिखा करके आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी, वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करूंगी। सिर्फ देखिए जो सरसों का साग है पहले मैं आपको यही काट के दिखा देती हूँ, बहुत ही फाइन चॉपिंग नहीं करनी है हमको, सिंपली इसको मोटा मोटा ही चॉप कर लेना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर चॉप किया ऐसे ही चॉप कर लें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारे साग को अच्छे से चॉप कर लिया है, मोटे मोटे काट लिया है बिल्कुल ही, आप देख रहे हैं ना, कोई ऐसी मैंने बारीक या फाइन चॉपिंग इसके अंदर नहीं करी है, और इसे मैंने पहले वॉश कर लिया था। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि कोई भी हरी सब्जी हो उसे काटने से पहले वॉश करना है, वरना सारे विटामिंस इसके पानी के साथ बह जाते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई या बर्तन जो भी लें, मोटे तले का लें, पतले तले का यूज़ नहीं करना है हमें। इसके बाद इसे अच्छे से आप प्री हीट कर लें। इसमें 1 छोटे चम्मच के लगभग मैंने सरसों का तेल डाला है, साग में सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है तो मैं सरसों के तेल से ही बना रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी, ये ऑप्शनल है, अभी आप चाहो डालो या ना डालो। इसके बाद हम सारा जो हमने साग बना रखा है ना इसके अंदर अच्छे से इसको सेट कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये ना 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली थी, इसको चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया था, 3 हरी मिर्च है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इस समय अदरक का यूज कम करेंगे, वरना अगर आप इस समय अदरक का यूज ज्यादा कर लेंगे तो साग का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो हमें जब इसको अच्छे से बॉईल करते हुए इसमें अदरक का यूज कम करना है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून के लगभग, ताकि साग हमारा इजिली गल जाए। और इन सब चीजों को हम मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बिल्कुल ही थोड़ा डालना है, 2 से 3 चम्मच के लगभग इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि साग में खुद अपना पानी होता है, वो घीट होने के बाद बहुत सारा पानी रिलीज करता है, तो पानी बहुत ही कम डालना है, नहीं तो पानी ज्यादा हो जाएगा तो हमें इसको कुक करने में बहुत टाइम लगेगा। लिड से कवर करें और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम छोड़ दें। तो फ्रेंड्स हम 10 मिनट तक इसका वेट कर लेते हैं इसको लो फ्लेम पे छोड़ करके, और यहाँ 10 मिनट हो गए हम लिड को हटाते हैं। देखिए साग हमारा बिल्कुल ही थोड़ा सा हो गया है कुक होकर के, क्योंकि साग ने पानी छोड़ दिया है और साग अपनी क्वांटिटी से बहुत ही थोड़ा हो गया है। इसे हम अच्छे से मैश करेंगे, जो पाव भाजी मैशर आता है ना इससे मैं अच्छे से इसको मैश करूंगी। अगर आपके पास पाव भाजी मैशर है तो उसका यूज करें, या आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है जैसे इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर होता है, अगर वो भी आपके पास है तो वो सबसे बेस्ट होता है, उसको आप डाल के डायरेक्ट कढ़ाई में
अच्छे से ब्लेंड करें, साग का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी बहुत ही स्मूथ सा हो जाएगा, क्योंकि साग अच्छे से पका हुआ और जिसे अच्छे से घुटा हुआ कहते हैं, अगर वो नहीं होगा तो साग का टेस्ट बिल्कुल निखर के नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से कर दिया है। इसके बाद हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक करेंगे 4 से 5 मिनट और अच्छे से। तो यहाँ साग हमारा मोस्टली कुक हो गया है। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून मक्के का आटा डालूंगी। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप बेसन का यूज भी कर सकते हैं। मक्के का आटा डालने के बाद भी गैस की फ्लेम को मीडियम करें और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएं, ताकि साग और मक्के का आटा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें कढ़ाई डाल करके इसको अच्छे से अब हम हीट होने देंगे, जो सरसों का तेल अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि सरसों के तेल में कड़वाहट होती है, इसे पक जाने दें। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना डालूंगी, 1/4 लगभग सौंफ डालूंगी, 1/4 चम्मच इसमें हींग डालूंगी और इसके बाद 2 तेज पत्ते डालूंगी। तो ये हमारे तड़के की तैयारी हो गई है। जब ये अच्छे से पक जाए ऑयल में, तो इसके अंदर मैं ना फ्रेंड्स यहाँ पर अदरक लहसुन का कुटा हुआ जो पेस्ट होता है ना वो लूंगी। मैंने जैसे 8 से 10 लहसुन की कलियां ली थी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसको अच्छे से कूट लिया है, क्रश कर लिया है। मतलब आप ये समझिए, क्योंकि आप काट के डालेंगे तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, अगर आप इसको अच्छे से क्रश करके डालेंगे ना इमाम दस्ते में तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 छोटी प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक फाइन चॉप कर लिया है और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सौते करेंगे, जब तक प्याज का कच्चापन निकल जाए, प्याज में एक अच्छा मिठास आ जाए साग के अंदर और इसके प्याज में एक क्रिस्पीनेस आ जाए जो बहुत ही अच्छा टेस्ट को इन्हेंस करेगी साग के आपको। तो हमें तब तक इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भुनना है यहाँ पर। इसका हमें ध्यान रखना है साग प्याज कच्ची ना रही। देखिए हमारी प्याज अच्छे से भुन गई। इसके बाद मैंने ये छोटा टमाटर डाल दिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो चाहो तो ना डालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर टमाटर डालने से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। और इसको हम कुक होने देंगे अच्छे से, ताकि टमाटर हमारा थोड़ा सा गल जाए। और इसके बाद देखिए हम साग के अंदर इस तड़के को डाल देंगे। साग देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो रखा है, इस तड़के को इसके अंदर हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लगता है कि साग थोड़ा टाइट मीन्स थोड़ा सा सख्त हो गया, सूखा सूखा सा ड्राई हो रहा है, तो अब इसमें गर्म पानी डालें, ठंडे पानी का यूज ना करें। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी। नमक मैं यहाँ पर सेंधा यूज कर रही हूँ, उससे थोड़ी गांठ गांठ से ये सब डाल के अब अच्छे से मिक्स करें। और इसको हल्का सा अगर आपको लूज चाहिए, हल्का पतला चाहिए, तो इसमें आप गर्म पानी डालें, ठंडे पानी का यूज ना करें इस साग के अंदर। इस बात का हमें खास ध्यान रखना, ठंडा पानी टेस्ट खराब कर देगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए हमारा साग यहाँ पर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त किचन के अंदर, जब आप बनाएंगे ना सेम प्रोसेस से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब बारी आती है स्पेशल तड़के की। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज किया है। देसी घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कलियां काट के रखी है ये इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च यानी देगी मिर्च का यूज करूंगी, जो बहुत ही अच्छा कलर लाएगा। इसके बाद आइए मैं इसको सर्व करती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं सर्विंग बोल ले लिया है, साग को डालेंगे और इसके बाद हम तड़के को रेडी कर लेंगे। तड़का जो हमने बना रखा है ना उसको भी हम रेडी करते रहेंगे गैस पे रख करके। और ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें यहाँ पर ये डाल दूंगी। इसमें मैंने एक ग्रीन चिली भी डाल दी है, इससे बहुत ही अच्छा इसका इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देख रहे हैं ना आप, साग कितना यम्मी कितना टेम्पटिंग लग रहा है, इस समय खाने का मन कर रहा है ना, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। इसे मैं प्याज से गार्निश करूंगी, क्योंकि साग और प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो मैं तो उसको प्याज से गार्निश जरूर करूंगी। इसके पास व्हाइट बटर डालो या फिर आपके पास अमूल बटर सिंपली जो हम घर में यूज करते हैं वो हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको साग की रेसिपी कैसी लगी है, ये देखिए जो बेहतरीन साग बन करके रेडी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इस साग को, एंजॉय करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये साग कैसा लगा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।